Zahir Abbasi Sahiba. Thank you, Deputy Speaker Sahiba. Will the Honorable Minister for Health, Sindh, may please to give answer statement that reason declining chemical bacteriological laboratory in the province and take measures for its growth and development. Deputy Speaker Sahiba, ye call attention lane ka maksad un mazloom logon ki aahein hain jo mujhe majboor kar gayi ki aaj main ye call attention laun aur aap bhi kisi ki behan beti maa hongi isliye agar isko aap sunengi aur house bhi samjhega to mere khayal mein behtar hoga ki ye iske bare mein koi acha natija nikle aur jawab acha aaye. लफ्ज भयानक का जब मैं इस्तेमाल करूं तो मेरा दिल भी हौल जाता है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा और सिंध का दूसरा बड़ा शहर कराची, जिसकी सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री, सरकारी केमिकल लेबॉर्ट्री, जिसका जो हाल मैं अब बयान करने जा रही हूं, अगर वो सबको पता चले और सुनेंगे तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी खून के आंसू रोएगा. इस लेबॉर्ट्री पर पुलिस, ना सिर्फ पुलिस का बल्कि अदालतें, वकील, जितना भी काम इंसाफ का वहां होता है उन सब का दारोमदार इस लेबॉर्ट्री पर होता है, क्योंकि ये वो लेबॉर्ट्री है जो वो तमाम टेस्ट करके इन जगहों पर पहुंचाती है जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त गैर फाल है. इस जदीद दौर में, ये जदीद दौर है जिसको हम 21वीं सदी कहते हैं, इस 21वीं सदी में सिंध की सबसे बड़ी सरकारी लेबॉर्ट्री, उसका हाल यह है कि उधर जो तख्ते लगे हुए हैं, मैं सारी पिक्चर्स लेकर आई हूं एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखाने के लिए. डिप्टी स्पीकर साहिबा, लकड़ी के तख्तों पर जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और वहां पर जो आजा इस सिंध के उन गरीब मजलूमों के जिनको रेप किया गया, बच्चियों को जिनके मेदों के उनके, या जिन्होंने जहर खा लिया या जिनको जहर खिला दिया गया, उनके मेदे, जिगर और दिल के टुकड़ों के आजा वहां पर चेक किए जाते हैं. और वो जब चेक किए जाते हैं तो वो एक ही वहां पर कैंची है और एक ही चीज है जिससे उसको काटा जाता है और उसी से वो टेस्ट किए जाते हैं. ये हाल देखें आप, ये वो मैं तस्वीर दिखा रही हूं. ये देखिए, ये बाथरूम है उस लेबॉर्ट्री का, जिस बाथरूम के बाहर इस सिंध के मजलूम बच्चियों बच्चियों के रेप किए हुए वो आजा और वो चीजें वो लेबॉर्ट्री के बाहर पड़े हुए, बाथरूम के बाहर, और वो शर्म का मकाम है कि वहां पर ये चीजें पड़ी हैं. और मैं वो तस्वीरें भी लाई हूं स्पीकर साहिबा, जहां बिल्लियां घूम रही हैं, जहां कुत्ते घूम रहे हैं. प्लीज स्पीकर साहिबा, मेरा टाइम हो जाए फिर आप मुझे बिल्कुल रोक लें. वो उन अजा को खा रहे हैं. ये चीज वहां सबूतों के साथ लेकर आई हूं कि वहां का ये हाल क्यों है. इस जदीद दौर में चूहे और बिल्लियां उन आजा को खा रहे हैं जिनके लिए वो मजलूम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इंसाफ की रिपोर्ट आएगी और कब हमें वो इंसाफ मिलेगा. और वो चर्स, वो गुटका, वो शराब जो वहां जाती रही है और ढेरों की तादाद में पड़ी है, वो वहां पर बेची जा रही है. उस वैन की भी तस्वीर लाई हूं जहां पर वो डालकर वो बेचते हैं. और दूसरी बड़ी बात अहम जो मैं बताने जा रही हूं, ये एनालिटिकल मशीन है, ये वो मशीन है. इस मशीन पर मुर्गियों का वजन किया जाता है. किसका? मुर्गियों का वजन. इस मशीन पर वो 1000 ग्राम, 1500 ग्राम जितनी चरस, हीरोइन या जो भी आता है वो यहां होता है वजन. और इसके बाद जो रिपोर्ट दी जाएगी, सोचे उस बंदे को कत्ल या उसको मर्डर या उसको किस तरह का उसको इंसाफ मिलेगा, ये भी एक सोचने का मकाम है. आपका टाइम ओवर हो गया साहिबा, 3 मिनट दिए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल्स चलें प्लीज. इस पर स्पीकर साहिबा, इस पर जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसके अलावा जो खून और ज्यादती के वहां पर सैंपल्स आते हैं, उनको जिस तरह चेक किया जाता है, वो लकड़ी का तख्ता बाथरूम के अंदर लगाया हुआ है और बाथरूम के अंदर जो पानी की लाइनें आ रही हैं, वो भी पानी जो है वो खारा पानी है जिससे वो टेस्ट होता है. अच्छा, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं सबका, चीफ जस्टिस साहब का, ओवर हो चुका, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, जो पूरा चीफ जस्टिस, मैं आधा मिनट और लूंगी, मुझे पता है ज्यादा नहीं आप बोलने देंगी. जो सबका चीफ जस्टिस साहब थे, जब उन्होंने शर्जील इनाम मेमन का टेस्ट करवाया, तो यकीन माने जो टेस्ट हुआ वहां, वो टेस्ट
स्पीकर साहब मुझे मेरा टाइम पूरा करने दीजिए। आपकी एक स्पीकर साहब की रूलिंग है, टेस्ट की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर उस सेक्शन वाले का साइन भी आप बैठ जाएं।